दुनिया के सबसे बड़े मेला क्षेत्र संगम नगरी प्रयागराज में माघ मेले में दूसरा स्नान पर्व आज है। मकर संक्रांति के इस पर्व पर दुनिया भर से श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचकर संगम में स्नान करते हैं, लेकिन इस बार सूर्य 14 जनवरी की रात को मकर राशि में प्रवेश करेगा। ऐसे में मकर संक्रांति का शुभ मुहूर्त 15 फरवरी को बन रहा है, लेकिन 14 जनवरी को ही पूरे भारत में अमूमन मकर संक्रांति मनाया जाता है, तो बड़ी संख्या में आम श्रद्धालु संगम तट पर पहुंचकर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं? आज के दिन का बहुत अच्छा महत्व है और हम दान करना चाहते हैं, गरीबों को दान करना चाहते हैं और हमको यहाँ कर बहुत अच्छा लगा और यहाँ की सुविधाएं बहुत अच्छी हैं और जो सरकार की व्यवस्थाएं हैं यहाँ बहुत अच्छी की गई है। ये महासंक्रांति का संपूर्ण महत्व है, यहाँ आकर के स्नान करना बहुत अच्छा। क्या मांगा आपने स्नान करने? मैंने अपने बच्चों की सुख शांति मांगी और अपने घर परिवार का सब लोग सुख शांति से अच्छे से रहें और जो गुप्त रूप में मांगना था वो हमने गंगा मैया से मांगा। दरअसल सूर्य का मकर राशि में प्रवेश करना मकर संक्रांति कहलाता है। इसी दिन से सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं। शास्त्रों में उत्तरायण की अवधि को देवताओं का दिन तथा दक्षिणायन को देवताओं की रात्रि कहा गया है। इस तरह मकर संक्रांति एक प्रकार से देवताओं का प्रभात काल है। इस दिन स्नान, दान, जप, तप, श्राद्ध तथा अनुष्ठान आदि का अत्यधिक महत्व है। कहते हैं कि इस अवसर पर किया गया दान 100 गुना होकर प्राप्त होता है। जी, माघ महीने में ये बहुत ही पुण्यदायी दिन होता है। आज के दिन ही सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तो माघ मकर गत रवि जब होई तीरथ पति आए सब कोई। जब माघ में जो है सूर्य मकर राशि में आते हैं तो यहाँ पर सारे तीरथ पति भी, ये तीर्थराज प्रयाग है, यहाँ पर सारे देवी देवता अपने आप आ जाते हैं। तीर्थराज प्रयाग में सभी देवी देवता यहाँ पाते हैं, देश विदेश से लोग स्नान के लिए आते हैं। 14-15 दो दिन जो है मकर संक्रांति का पर्व जो है मनाया जाएगा। लोग यहाँ दान पुण्य करते हैं, खिचड़ी लड्डू इत्यादि जो है यहाँ पर बांटते हैं, अन्नदान वस्त्रदान कंबल इत्यादि लोग यहाँ पर वितरण करते हैं। लोग अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए यहाँ पर गंगा स्नान करते हैं। जैसे गंगा माँ को मोक्षदायिनी कहा गया है, तो जो भी यहाँ पर गंगा स्नान करते हैं उनको पूर्वजों को मोक्ष होता प्राप्त होता है। मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान तथा गंगा तट पर दान की विशेष महिमा है। मकर संक्रांति मेला तो सारे विश्व में विख्यात है। संगम तट पर सुबह से ही लाखों की संख्या में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और मां गंगा से प्रार्थना कर रहे हैं कि सभी के परिवार में शांति बने रहे और किसी को कोई कष्ट ना हो। कई गुना बढ़ जाए। पूरे देश में मकर संक्रांति का पर्व 14 और 15 जनवरी को मनाया जा रहा है और इस दिन के महत्व की बात करें तो आज के दिन सूर्य जो है वो मकर राशि में प्रवेश होता है, इसीलिए आज का महत्व है। हम मौजूद हैं संगम तट पर जहां देश का सबसे बड़ा धार्मिक मेला लगा है और आज दूसरा स्नान पर्व है। सबसे पहले आप तस्वीर देख सकते हैं कि भारी संख्या में यहां पर जो श्रद्धालु हैं, जो देश के कोने कोने से आ रहे हैं, वो यहाँ पर आकर के आस्था की डुबकी जो है वो यहाँ पर लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये संगम नोज है और भारी संख्या में आपको श्रद्धालु नहाते हुए दिख रहे होंगे। और अगर हम इधर की तस्वीर दिखाएं तो आप देख सकते होंगे कि कितने ज़्यादा यहाँ पर श्रद्धालु जो हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। और आज के दिन ये भी माना जाता है कि अगर आप दान करेंगे तो आपकी पुण्य की जो प्राप्ति है वो कई गुना बढ़ जाती है। ऐसे में जो लोग हैं वो आस्था की डुबकी लगाने के बाद वो दान भी करते हैं। आप गुड़ का दान कर सकते हैं, तिल का कर सकते हैं, साथ ही साथ गौदान भी आप यहां पर कर सकते हैं। तो भारी संख्या में श्रद्धालु जो हैं वो मकर संक्रांति के स्नान पर्व को लेकर के आ रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संगत उपाध्याय के साथ सैयद आखिर रजा, पंजाब केसरी टीवी, प्रयागराज। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।